नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि सभी आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और रीट रद्द होने के बाद में अभी भी बहुत फोन आ रहे हैं और कई लोग सदमे में बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, रीट रद्द होने के बाद जो सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस मुद्दे पे मैं चर्चा करूंगा बिना वक्त कमाए। वीडियो की ओर चलते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो सिलेबस क्या रहेगा और जो दो पेपर है वो पेपर दो एक नहीं हो सकता क्या, और आज जो सीएमओ में क्या वार्ता हुई उसको लेकर भी मैं इस वीडियो पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा जो मेरिट है वो राज्य स्तरीय होना चाहिए या जिला स्तरीय, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और लेवल फर्स्ट को लेकर जितने भी अभी तक की जो कंफ्यूजन है मैं आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो पेपर है, पेपर दो होने चाहिए एक होने चाहिए, तो इसको लेकर आज का जो आंदोलन था उस आंदोलन में जो डेलीगेशन गया था उन डेलीगेशन ने एक बात रखी थी कि जो पेपर है वो दो नहीं एक ही होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार शिक्षा मंत्री जी ने उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें दो पेपर ही होंगे, एक पेपर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब जो होना है जो होना है, इसलिए आप कंफ्यूज वगैरह ज्यादा मत हो, अब आप अपनी तैयारी में लगो, क्योंकि यह समय चला गया, ये वैकेंसी यहां से निकल गई, उसके बाद कुछ नहीं होना है, इसलिए अब ये दो पेपर होंगे तो होंगे और उसके बाद सरकार कुछ क्या करती है ये मैं नहीं कहता। लेकिन वर्तमान के जो हालात है उन हालातों के बारे में बात कर रहा हूं। पेपर अभी तक की जो भी स्थिति है उस स्थिति में पेपर दो होने ही, उसके बाद बात करूंगा मैं जो सीएमओ में वार्ता हुई। सीएमओ में आज जो वार्ता हुई वो वार्ता यही है कि कई अभ्यर्थी कह रहे थे दो पेपर के लिए नहीं, एक पेपर हमारा टाइम पहले से बहुत हो गया है, खराब हो गया अब हम, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने दो पेपर ही और 15 मार्च के बाद ही सभी घोषणाएं वगैरह होगी, क्या होता है सिलेबस वगैरह उनको लेकर आगे जो भी क्या वो जो कमेटी बिठाई गई है क्या कमेटी निकालती है उसके बाद जो मेरिट है। दोस्तों, अभी तक जो दो एग्जाम हुए उसमें जो एग्जाम हुआ है वो जिला स्तरीय एग्जाम ही हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, पहले 2004 की भर्ती 2007 की भर्ती जो थी आरपीसी ने करवाई और एक ही भर्ती होती थी, लेकिन जब से आरटेट लागू हुआ है उसके बाद दो भर्ती हुई, तो उसमें जिला स्तरीय जो भर्ती हुई उसमें इतनी अधिक त्रुटियां पाई गई थी कि एक जिले में वही क्वेश्चन सही मान रहे और वही दूसरे जिले में वही क्वेश्चन गलत मान रहे, ऐसी उस समय अखबारों में सोशल मीडिया में कई और कई आरोप लगे थे, क्योंकि जिला लेवल की जब मेरिट बनती है तो उसमें, तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और सभी जो युवा जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से या किसी अन्य चैनल से, तो आपके हितों के लिए ये आवाज उठाना जरूरी है कि जो प्रदेश स्तरीय मेरिट हो जिसे सभी का भला हो। अब मैं बात करूंगा जो सिलेबस को लेकर, सिलेबस को लेकर सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है और सर्वाधिक कंफ्यूजन की अवस्था में, और सिलेबस को लेकर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले 2004 में जो एग्जाम हुआ थर्ड ग्रेड टीचर का, उससे पहले जो भी एग्जाम जो भी होते थे आपको मालूम है डायरेक्ट भर्ती ली जाती थी मेरिट बेस पर, लेकिन जब 2004 का पहला एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जो सिलेबस तैयार किया गया था उसके बाद 2007 में भी हो रहा, और जो लेवल फर्स्ट का उसके बाद जो अभी जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में बांट दिया गया था, पहले ये सिस्टम नहीं था। 2004 की भर्ती में तो एक ही रहे और 2007 की भर्ती में लेवल फर्स्ट के लिए अलग मेरिट रही, लेवल सेकंड के लिए अलग मेरिट रही। और अब जो है दो एग्जाम की सरकार ने घोषणा कर दी है, तो लेवल फर्स्ट के लिए क्या सिलेबस रह सकता है और लेवल टू के लिए क्या सिलेबस रह सकता है। और मैं आशा करता हूं कि जो बेरोजगारों की जो मांग थी
सबसे बड़ी मांग यह थी कि बाहरी राज्यों का जो कोटा समाप्त किया जाए, लेकिन बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त से किसी प्रकार का कोई प्रावधान आया है ना, मेरे को लगता है कि ये प्रावधान आएगा, क्योंकि मेरे को जो एजुकेशन शिक्षा विभाग में कई साल हो गए और मैं लगातार ये बात सुनता आ रहा हूं कि बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, लेकिन जैसे ही अब 30-34 साल है अब ये मुद्दा उठेगा, लेकिन होना कुछ नहीं है। और मैं राजस्थान सरकार से कहता हूं अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, लेकिन बाहरी राज्यों को रोकने के लिए राजस्थान की सरकार जो प्लान बना रही है उसमें यही है कि सबसे अधिक राजस्थान जिसके जोड़ा जाए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस बना था वर्तमान में वही सिलेबस है, वही राजस्थान जीके, वही सब्जेक्ट, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। यह जरूर चेंज होता है कि अगर किसी की कोई किताबें चेंज होती है तो किताबों का मैटर जरूर चेंज होता है कि 9वीं 10वीं 11वीं बाहरी की जो किताबें हैं वो चेंज होगी है। और किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। फर्स्ट ग्रेड का आप सिलेबस उठा कर दे सकते हो, और पहला पेपर फर्स्ट ग्रेड का जो हुआ था उस पेपर को लेकर अभी तक विधानसभा में भी मामला उठा हुआ है कि राजस्थान के लोगों के लिए फर्स्ट पेपर में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेकंड पेपर होता है जो होता है सब्जेक्ट आधारित, सब्जेक्ट आधारित सब्जेक्ट पूरे सभी राज्यों का एक ही होता है, अगर हिंदी है इंग्लिश है कोई भी सब्जेक्ट है एक्स वाई जेड कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति आकर लगता है तो भी उन्हीं के वही सब्जेक्ट रहता है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उनको रोकने का काम करता है, सेकंड ग्रेड में काम करता ही है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में किसी प्रकार का कोई भी रोकने का कार्य नहीं करा, लेकिन तब भी सरकार किसी प्रकार से उस सिलेबस को चेंज नहीं कर रही है, वही सिलेबस है। यह जरूर है इस बार ये कर दिया कि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में कि दोनों जो पेपर है उसमें 40% जो अनिवार्य रूप से आपको नंबर लाने, इतना चेंज किया गया है, बाकी सिलेबस में किसी प्रकार का नो चेंज है। उसी प्रकार जो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो सिलेबस है, मैं ये मानता हूं कि किसी प्रकार से चेंज होता है तो भी 70% और 80% तो ये सिलेबस रहेगा, और सिलेबस आने के बाद आप दे सकते हो। ये मेरा चैलेंज है, जो मेरा अनुभव है अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, और जो भी सिलेबस फाइनल आएगा मैं इस मंच के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी राजस्थान जीके और मनोविज्ञान और अपना सब्जेक्ट इन तीन पर आप फोकस रखो, क्योंकि जो रीट का एग्जाम है रीट का एग्जाम को ये वापस पात्रता घोषित कर सकते हैं, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो ग्रेजुएशन का जो भी बैठे रख सकते हैं, अभी तो किसी प्रकार से कोई फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन अभी आप जो तैयारी कर रहे हो उनमें राजस्थान पर फोकस रखना है, क्यों राजस्थान युवाओं की मांग भी है और राजस्थान जीके ज्यादा जोड़ा जाएगा। तो मैं बात करूंगा फर्स्ट पेपर की, जो लेवल फर्स्ट के जो व्यक्ति है जिसने BSTC वगैरह कर रखी है उनके लिए क्या रहेगा। तो दोस्तों करंट और राजस्थान जीके 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और भूगोल हिस्ट्री और कल्चर के 30 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, 60-120 नंबर के आएंगे। और अब सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है, संस्कृत को छोड़ देते हैं, तो जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो 5 सब्जेक्ट है, आपको मालूम है कौन कौन से है, वो 2 हिंदी और अंग्रेजी 2 लैंग्वेज है, उसके बाद मैथमेटिक्स है और साइंस है और SS है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 7 नंबर का पोर्शन है, तो 35 नंबर का है, जिसमें लगभग 17 और 18 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। पिछली बार जो 2004 में और 2007 में जो सिलेबस था वही, उसके अलावा इसमें शिक्षण विद्या के अलावा एक मनोविज्ञान के क्वेश्चन पूछेंगे, ये लगभग 22 और 23 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और यही आपका सिलेबस रहना है। और ये जो मैं आपको बता देता हूं, आप 6 से 8 की किताबें अगर पढ़ लेते हो तो भी आपके ये आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप 6 से लगाकर 10 सीट तक की किताबें पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन है उन किताबों से ही आते हैं क्लियर। अब मैं बात करूंगा लेवल सेकेंड की,
आपका बिना वक्त गंवाए जो लेवल सेकंड में कौन कौन से हैं वो आप दे सकते हो। राजस्थान जी के और समसामयिकी के 10 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल इतिहास और संस्कृति के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल राजस्थान से संबंधित जो समसामयिकी आएगी वो राजस्थान से संबंधित ही आएगी अधिकांश, जो अगर वो भारत में किसी प्रकार के संबंधों में बात हो रही है तो लेकिन राजस्थान का कहीं ना कहीं उनमें जुड़ाव है। तो 20 से राजस्थान के ये और सेक्सी मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, क्योंकि 8वीं तक जो भी आती है आपको मालूम है बाल मनोविज्ञान ही आती है जो रीट में भी चल रही है, आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। ये 20 क्वेश्चन ये तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। अब सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी में व्याकरण, पिछली बार ये हुआ था कि व्याकरण पूछा गया था, इंग्लिश में भी व्याकरण पूछा जाता, क्योंकि जो भी एग्जाम है आपको मालूम है 8वीं तक व्याकरण ही इंपोर्टेंट होती है, साहित्य इतना काम नहीं आता है इसलिए। और SS में SS का पूछा जाता है और साइंस में, तो इस प्रकार दोस्तों ये सिलेबस है और ये मैं मानता हूं ये ही सिलेबस रहेगा, क्योंकि इसमें ये सिलेबस पहले से जितनी भी आपकी औपचारिकता है वो पूरी करते हैं। अब राजस्थान सरकार कुछ इसमें नया जोड़ दे 10-20% तो मैं नहीं कहता, इसलिए आप राजस्थान जी के और मनोविज्ञान और अपने सब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए ये अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो और बिना वक्त कमाए। अब मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कहीं लोगों के जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाए। अब अगर चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद भारत।